98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 बेटे बोल। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज फिर हम आपको लॉकडाउन में राइडिंग पे जा रहे हैं, लेकिन उसमें लॉकडाउन में राइडिंग करना सेफ नहीं है। लॉकडाउन का पालन कीजिए और घर पे सेफ रहिए। लॉकडाउन में हमारी तो जैसे मजबूरी है, इसलिए हम जॉब पे जाना पड़ रहा है हमें। तो आप घर पे रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन लॉकडाउन में बाइक चलाने का, राइडिंग करने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि लॉकडाउन में रोड बिल्कुल खाली रहते हैं, एक आधा ही ट्रैफिक रहता है इमरजेंसी में ये भी। इसलिए तो आप घर पे रहना, सुरक्षित रहना और रहोगे तो बहुत अच्छा है। ये अचानक मुझे पे हाथ पे कुछ तार वगैरह लग गया है, ये अभी हाथ दिखाऊंगा तो मेरे हाथ पे कुछ लग गया। तो आप हमेशा देख के ही चलना चाहिए, क्योंकि ये लटका हुआ था तो बहुत ज़्यादा लग गया मेरे हाथ पे, इसलिए तो ज़्यादा नहीं हो करना चाहिए, तो देख के ही चलना चाहिए हमेशा। ये देखो आप, पूरा पूरा रोड खाली पड़ा हुआ है। आज हम दोबारा फिर देखना इस बाइक की तेज़ स्पीड करके दिखाएंगे। वैसे तो आराम से ही चलना चाहिए, लेकिन खाली में तुम कभी कभी तेज़ चला लेनी चाहिए। आज हम देखते हैं कैसे। बाकी आपकी अगर कोई मजबूरी है तो आप तभी घर से बाहर निकले, वरना बाहर ना निकले। ये हमसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं हम आपको। दिल्ली में बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इसलिए लॉकडाउन में घर पे ही रहना, सेफ रहना और समय समय पर अपना जैसे गर्म पानी पीते हैं और करते हैं, गाढ़ा वगैरह पीते हैं तो पीते रहना चाहिए, तो सेफ रहोगे। तो इससे अच्छा कोई और नहीं है। तो टाइम पे रहिए, घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए और अच्छे से सेफ रहिए। ये देखो, वैसे लॉकडाउन पहले तो मतलब तो घर पे रहना, सही रहना, हाथ धोते रहना। दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि आप घर पे ही रहना, सेफ रहना। लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही मजबूरी है, जैसे मेडिसिन वगैरह लेनी है या कुछ लेना है, तो तभी आप बाहर निकले, वरना बच्चों को भी या सबको भी अपने वाले ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा घर में ही रहना है। मास्क ज़रूर लगाएं, तीसरी लहर आने वाली है बच्चों में, जो कि बहुत ज़्यादा होगी, तो उससे मैं बच्चों को बचाने हैं। तो आपको और आपकी फैमिली को सुरक्षित रखना है, तो आप ही सुरक्षित रहोगे तभी बच्चों को सुरक्षित रख पाओगे। तो इसलिए आप घर पर रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से पालन करते रहिए लॉकडाउन का। लो तो फिर हम चलते हैं, देखते हैं आज फिर हम बाइक को आपके सामने लेके जाएंगे कितनी तेज स्पीड चलाते हैं। लेकिन लॉकडाउन में तो देखो मज़ा ही कुछ और है। ये देखो यहाँ पर लाइट आ गई है, अभी चलाएंगे थोड़ा सा। अब की बार लॉकडाउन बहुत ज़्यादा वो है, मतलब कम ही है, ज़्यादा कोई वो नहीं कर रहा। तो देखो कितने ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा चला हुआ है दिल्ली में अब की बार, तो इसलिए थोड़ा सा सेफ भी रहना है। ये नहीं कि लॉकडाउन में रोड खाली है तो बहुत ज़्यादा तेज़ चलानी है या कैसे भी है, लेकिन कभी कभी तो चला लेनी चाहिए। मैं कभी कभी चला लेता हूँ, इसलिए अब देखते हैं कितना वो चलाएंगे हम। ये देखो शॉप बाज़ार वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, जैसे लॉकडाउन खुल जाता है ना, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एरिया बहुत ज़्यादा जाम का है, ये यहाँ पे निकलना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे आज ये सारी शॉप वगैरह बिल्कुल बंद हैं, यहाँ पे खुल नहीं। वैसे तो मैं बाइक बिल्कुल स्लो ही चलाता हूँ, लेकिन कभी कभी तेज़ भगाता हूँ। ये देखो सारा रोड बंद पड़ा हुआ है, मतलब रोड तो खुला हुआ है, शॉपें वगैरह सारी बंद पड़ी हुई हैं। देखो बहुत ज़्यादा हुआ है, ये देखो यहाँ पे मिट्टी वगैरह भी पड़ी हुई है, मतलब रोड फाड़ रखा है। तब यहाँ के बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जाम लगता है, इतना जाम लगता है कि आपको आने में कम से कम आधा 30 मिनट या 45 मिनट तो आराम से ही लग जाते हैं। जो रास्ता आपका 10 मिनट का या 15 मिनट का है, उसमें आपको रास्ता बहुत ज़्यादा वो लग जाता है। ये देखो अब देखेंगे हम कितने भगाते, ये खाली रोड आ गया बिल्कुल सही तरह, ये मेट्रो है। अब देखते हैं, ये देखो ये आ गया, ये 97, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109,
110, आज मैंने 110 तक स्पीड बढ़ाई है, लेकिन आप ये इस ना बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि आगे एकदम आ जाते हैं, लाइट होती है ये, लाइट होने के बाद देखो एकदम मैंने मंदी स्लो करनी पड़ी है, नहीं तो मैं और ज़्यादा भी बढ़ा सकता था। मेरी बाइक बहुत ज़्यादा तेज़ भागती है, इसलिए तो जितनी कंट्रोल हो जाए उतनी ही और चलानी चाहिए बाइक, नहीं तो नहीं चलानी चाहिए। मतलब जितनी सेफ है उतने ही चलाओ, वरना रहने दो, मतलब कम ही चलाओ उससे भी जितनी सेफ है, नहीं तो कुछ भी हादसा हो सकता है तेज स्पीड में। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब सेफ रहो और सुरक्षित रहो, लॉकडाउन का पालन करते रहो। ये देख, और भी राइडिंग की वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे लक्की उड़ा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले, और बेल का घंटा बजाना ना भूले ताकि आपके नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। ऐसी ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं, देखते हैं दूसरी वीडियो हम कहाँ की डालते हैं। अभी तो हमने लॉकडाउन के उसमें बनाई है, ये बिल्कुल उसमें स्टे होम स्टे पो, मतलब घर पे रहो सेफ रहो, ठीक है। नहीं तो नहीं, लो फिर आज फिर हम चलते हैं आपके लिए अगली वीडियो ले। ये देखो MCD वालों की भी हो गई है, मतलब हड़ताल चल रही है, इसलिए उन्होंने करा। चलो ठीक है, हम यहीं से आपका ब्लॉग करते हैं। ओके बाय, सॉरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।